वक्त हम मारुति के एरिया में खड़े हैं एंड बिलीव मी दिस इज द कार दैट इज टॉक्ड अबाउट। ये मारुति की ईवीएक्स है जो 2025 में लॉन्च होगी। ग्रे कलर है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। यही मारुति की इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसके बारे में बात की जा रही है। फिलहाल ये लॉन्च नहीं की गई है मार्केट में, 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब मैं आपको मारुति की वो दो कार्स दिखाऊंगी जो इस ऑटो एक्सपो में सामने आई है। जिम्नी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, थार इसका कॉम्पिटिटर है। जिम्नी पहले से ही मारुति की कार ऑलरेडी मार्केट में है। दिस व्हाट यू सी इज अ काइनेटिक येलो कलर दैट यू सी राइट एट माय बैक। इसका इट हैज अ ड्यूअल टोन, ब्यूटीफुल कलर। अगर आप इसकी फीचर्स देखोगे तो जो पहले थी थ्री सीटर थी, अब की अगर जिम्नी की बात की जाए तो वो फाइव सीटर कार है। मुझे इसका कलर खास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर इसके इंटीरियर की भी बात की जाए तो थोड़ा सा इंटीरियर डेफिनेटली अपग्रेड हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो जिम्नी जो है वो ट्रैवलर्स की कार है। जब आप पहाड़ों पर जाते हो या किसी हिल स्टेशन को व्यू करते हो तो आपको इस तरह की कार वाकई बहुत पसंद आती है। फाइव सीटर से डायनेमिक्स थोड़े बहुत बदले हैं, सिक्योरिटी फीचर्स को भी डेफिनेटली अपग्रेड किया गया है। आई पर्टिकुलरली लाइक द कलर ऑफ दिस। ये जिम्नी आपने मेरे पीछे देखी। अब मैं आपको नेक्सा ब्लू दिखाऊंगी, वो भी इसी ऑटो एक्सपो में लिखाई गई है। हालांकि इन दोनों की बुकिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन इसके प्राइस अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। इफ यू टॉक टू एनीबडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट हियर, वो इसका प्राइस नहीं बता रहे हैं। इसका प्राइस आने वाला है। कलर वेरी ब्यूटिफुल। नेक्सा ब्लू जनरली जब भी बात की जाती है उसका कलर काफी एनरिचिंग लगता ही है। दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार। आई थिंक दिस वुड कम अंडर अफोर्डेबल सेगमेंट जो मैं यहाँ पर गेज कर पा रही हूँ। ब्यूटिफुल कलर है, स्ट्रक्चर ब्यूटिफुल है, इंटीरियर्स जो बेसिक मारुति की गाड़ी का आप इंटीरियर्स देखते हो वैसे ही इसके इंटीरियर्स भी नजर आ रहे हैं। ये जो दो मॉडल्स आपको मैंने दिखाया वो OEM बेस्ड है और जो मेरे पीछे आप ग्रे कलर देख रहे हो वो इसकी ई व्हीकल है जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चर्चित हुई है। दिस कार जो मेरे पीछे है वो 2025 में लॉन्च होगी। लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि मारुति अपनी ई व्हीकल कब लेकर आएगी। एक तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर सामने रखा गया है। कलर मुझे बहुत पसंद आया है, जो बेसिक कलर्स पर कहा जाए मारुति वर्क करता है। लाइट्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखी गई हैं, विंडोज एंड ऑल। बेसिकली अंदर से तो अभी इसका कुछ ऐसा सिस्टम नहीं इंटीरियर वगैरह पे वर्क किया गया है क्योंकि 2025 में लॉन्च होगी, लेकिन एक ये वो गाड़ी है जिसकी ऑटो एक्सपो में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी। ये मारुति का सेगमेंट है, ये वो सेगमेंट है मारुति, क्योंकि अगर हम इंडियंस की बात की जाए तो मारुति ब्रांड हम सब में रजिस्टर किया गया है। जिसने सबसे ज़्यादा आई कैच की है वो है काइनेटिक येलो जिम्नी जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं।